तेरी बाप कौन है? इन्हें दे पर्दादे लगे ना, पर्दादा जी। हाँ जाजी इधर कौन? डैडी पाप। डैडी पापा ये कौन है? ये कौन है गंजू? गंजू इधर कौन है गंजू? हाँ बबलू थले चढ़ा दो, चुनो खेडू की अपना है थोड़ा। नहीं ओके नहीं होती, फैन थोड़ा चढ़ा दो। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गाइस ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ 9:40 पे, और हम लोग आज जल्दी सो जाएंगे। मैं तो नहीं सो पाऊंगी क्योंकि मुझे भी मनीर की सारी पैकिंग वैकिंग करनी है, उसकी बॉटल स्टरलाइज करनी है। मनीर को मैं फटाफट भी सुला दूँ क्योंकि उसको खाना वाना खिला दिया है। और जी हम कल जा रहे हैं अभी की फिल्म जे जट बिगड़ गया दी प्रीमियर से, जो कि होएगी स्टार्ट 12 बजे। तो हमको मतलब हमको फिर निकलना पड़ेगा 9:30 और 10 मैक्स, क्योंकि 2 घंटे का तो हम लेके चलेंगे टाइम। बबू चाचा जी जा रहे हैं, शैरी जा रही है, निश्चय जा रहा है, विक्की कंचन दोनों जा रहे हैं। विक्की का थोड़ा सा 99% कन्फर्म है, 1% उसको थोड़ा सा है क्योंकि उसकी आँख में यू नो पिम्पल्स आ रखा है, तो उसको है कि ज़्यादा बर्डन आ जाए, तो उसको थोड़ा है। वो मॉर्निंग में ही कन्फर्म करेगा कि वो आएगा या नहीं आएगा, बट बाकी सब लोग जा रहे हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। एक मिनट पूछते हैं कि मिस्टर अभय एक्साइटेड है या उनको डर लग रहा है या वो नर्वस है। लेट्स सी क्या आंसर होगा। नथिंग टू बी नर्वस, बट ऑब्वियस एक्साइटेड है। चलो यार मेहनत सामने आ रही है, बाकी कल निकल जाएंगे सुबह, फिर देखते हैं वहाँ जाके क्या बनेगा, क्या क्या होगा, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं। जो बॉम्बे का रूटीन है वो ये होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है, उसके बाद फिर आपके जो भी जर्नलिस्ट वगैरह आते वो आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं। पहले सीधा प्रोडक्ट दिखाया जाता है, जो आप अवैध भी गए, स्विच भी यहीं हुआ, डब्ल्यू बिले भी यहीं। शुरू में थोड़ी सी गेट टुगेदर होती है, जैसे एक दूसरे से मिलना, बातें बातें करना, वो शुरू का 1-1.5 घंटा पहले होता है। तो वो आप बाहर ही हॉल में जगह बनी होती है, वहाँ पे आप इकट्ठे होते रहते हो, बातें बातें होती है, उसके बाद आप फिल्म देखने चले जाओ, फिर बाहर आते हो, फिल्म ख़त्म होने के बाद फिर मीडिया आ जाती है, मीडिया इंटरेक्शन होते हैं, ये सिस्टम होता है। अभी यहाँ पे क्या होगा आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा ही होगा। हाँ मीडिया इंटरेक्शन तो होती है। हाँ होता है ये, तो बाकी उत्थे जाके देखेंगे किमें की होंगे, थोड़ा सारा कुछ दिखाते रहेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि मैं लाइव भी आ जाऊँ फ्रॉम माई इंस्टाग्राम। और दूसरी बात है परसों रिलीज है फिल्म गाइज। हाँ यार परसों फिल्म रिलीज है, तुसी सारे प्लीज़ फिल्म देख के आयो, जरूर देख के आयो। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं इतने पटियाले थिएटर्स दे विच आवां, है ना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो क्योंकि मनीर का बर्थडे भी है विच, सो टाइड अप बड़िया चीज़ों से सी, बट ये सारे जरूर देख के आयो। बाकी जो मैं आया तो मिलना होगा ही होगा फॉर श्योर। असी इतने भी प्लान करांगे, पटियाले भी असी सोच रहे हैं कि असी कोई भी एक दिन विच जाके फिल्म देखिए, लोग है उन्होंने भी मिलेंगे। वी विल ट्राई दैट फॉर श्योर। सारे जायो यार फिल्म देख के, और फिल्म बहुत वधिया, बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम इस किस्म की फिल्म पंजाबी इंडस्ट्री में खासकर आ रही है। प्रोमो असी थोनों पहला भी दिखाया सी, प्रोमो का लिंक असी डिस्क्रिप्शन पा देंगे, तो प्रोमो देखो फिल्म में प्यार दो, बहुत बहुत मनी तारा जो फिल्म में प्यार दो, बहुत बहुत शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड योर और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रिलीज के बाद सारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाके हम लोग ये फिल्म देखें, और आप लोग भी जाके देख के आना। नहीं डायरेक्ट ही देखेंगे कि आप लोग वहाँ पे हो गए तो हम लोग आप लोगों के साथ ही बैठ के फिल्म देखेंगे। हाँ, वो डे कौन सा होगा ये आइडिया नहीं। हाँ ये आइडिया नहीं है। सो गाइज अगर आप देख चुके हो गए फिल्म तो कॉमेंट करके जरूर बताना की आपको फिल्म कैसे लगी। आप इससे बात कर लो, पहले इससे बात कर लो। इसको होता मुझे ब्लॉग में क्यों नहीं लिया। पर क्या पता हम लोग इकट्ठे देख रहे हो फिर, ये भी हो सकता है कि पता जिस दिन असि उत्थे बुक कराइए तुसी भी सारे उत्थे नाले मेल मिलाप हो। हाँ
आ मेरा बच्चा आ ओ नो 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 ना तो अभी मनीर को सुलाती हूँ और फिर उसके काम करने अत्याचार हो रहा है मम्मी पे मार रही है बदतमीज हो गई बहुत अच्छा सब कुछ सत श्रीकाल बोल दो सत श्रीकाल गुड गर्ल मेरा बेटा सबको क्लैपिंग करके दिखा दो क्लैपिंग कर दो देखो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रही लेटर लेटर क्लैपिंग कर रही वो भी अच्छा सुनो मनी नोज का है नोज का है नोज का है नोजी नोजी नोज 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 बोला खाने को नहीं बोला चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में सोन था बिल्कुल नाम नहीं हाँ जा आ देखो सो गाइस अभी रात के बजे हैं 11:30 और हमारा ना गैस चूल्हा खराब हो गया अभी कर रहे हैं उसको तो सर मेरी फिल्म का प्रीमियर है कल मैं गैस ठीक कर रहा रात इन्होंने इतनी जोर दी खींचा एक मिनट में दिखाते हो इन्होंने इतनी जोर से खींचा ना ये सारा इसका वो निकल गया यार और आग भी लग गई थी एकदम सिलेंडर गड्ढे एक्चुअली ये ना लूज ही हो गया तो हमको लगा कि देखो यहाँ से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही स्मेल नहीं आ रही तो बंद होगा बट वो धीरे धीरे ना नीचे नीचे लीक हो रहा था जब इन्होंने लाइटर से जलाया तो ये पूरे में आग सी लग गई और मैं यहाँ पर बॉटल्स वॉश करके रखी हुई है कि स्टरलाइज करूँगी क्योंकि कल ना बॉटल्स ही नहीं है सारी बॉटल यूज़ हो गई थी तो मुझे था कि चलो अच्छे से सारी बॉटल स्टरलाइज करके रख लेती हूँ कल प्रीमियर पर भी जाना है तो 2-3 बॉटल साथ में ले जाऊँगी पर तब भी देखते हैं क्या जुगाड़ लगाएंगे जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें सुबह सुबह 9:30 निकलना भी है और मनीष को ब्रेकफास्ट भी खिलाना है उसको दूध भी पिलाना है पर दूध पिलाने के लिए बॉटल नहीं है तो फिलहाल टेंशन वाला माहौल बना हुआ है बट आई नो माई हस्बैंड इज़ ऑलराउंडर वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इसको चला ही देंगे और जुगाड़ मत ही लगाओ बेटर है सो जी हम लोगों ने फिट कर दिया है मतलब मैंने ढूंढा है कि वो जो पेच है कहाँ फिक्स होगा और अभी ने उसको किया है फिक्स सो अब देखते हैं हमारा जो गैस है वो चलता है या नहीं आई विश यार बाबा जी चला दो परसों जे एक्टिवेट कर ली और साडा मेन नेगेटिव लीड जो हीरो हैगा वो इतने गैस स्टिकर दा फिर रहा देख लो प्लीज प्लीज वॉच माय फिल्म देखे फिल्मा च हीरो और करे ऑलराउंडर जे जट बिगड़ गया 17 मई थिएटर च रिलीज हो रही है दोस्तों गो एंड वॉच इट अच्छा मैं सोच रहे चलो ये तो मेरे नाल हो गया एकदम अग भी लगी अपना सिलेंडर ऑफ करता जे कल अपने पिछो राधा तो हो जाता हाँ संभलनी नहीं सी अग हाँ बचाव हो गया चंगी तरह ऑन हो जाए चलो दूर होके करो ठीक है स्मेल तो नहीं आ रही और चंगी तरह रेगुलेटर लाता ना ओह ग्रेट पर इनू थोड़ा कट यूज करो इदा पेस्ट थोड़ा ढीला ही है राधा नु भी समझो नहीं हां तो टाइट करता ना तुसी हां नहीं साला भाई हम्म
रेगुलेटर सही चेक, एक बार डबल चेक कर लो थले आ रख दो स्टरलाइज करने लगे थे बहुत यार। मैं तो टेंशन में थी कि पता नहीं कैसे होगा, बट मेरा पति तो भाई ऑलराउंडर है और मम्मी ने ना एक वो भी भेजी है टॉय है ना मनीर ली, वो जब लेके आए मार्केट तो ता ठीक सी करे लेके आई तो पेस्ट हो गया किसी तो नहीं, चार दिन आई पी रही बेचारी। एक हैगी है नवी दी मम्मा ने कहते अभे नू दे फट करके देगा मनीर नू। चलो हाय गाइस, सो मैंने अभी जस्ट अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग किया है क्योंकि आज मैंने हिना लगाया था हेयर में ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 महीने बाद, तो बाल ऑब्वियसली ड्राई हो जाते हैं, आप शैम्पू नहीं कर सकते, तो मैंने अभी जस्ट बहुत सारा ऑयल लगा लिया क्योंकि कल हमें जाना है प्रीमियर पे, सो मुझे था कि हेड वॉश तो करना ही है तो अच्छे से ऑयलिंग करके रात को सो जाती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा अपना फेस क्लीन कर रही हूँ पैम्परिंग सेशन, कल जैसा कि प्रीमियर पे जाना है तो वहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लोग होंगे तो थोड़ा सा अच्छा बन के जाएंगे। और मैं बहुत 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 टाइम बाद आई थिंक 2 साल बाद ये वाला जो मेरा घरेलू यू नो फेशियल मान लो या मास्क मान लो या जो भी मान लो वो यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एकदम से यू नो ऐसा आपके फेस पे ग्लो लेके आ जाता है जैसे कि आपने फेशियल कराया होगा। तो अभी मनीर की बॉटल स्टरलाइज हो रही हैं तो फिर मैंने सोचा जब तक वो स्टरलाइज हो रही है मैं फटाफट इसको अप्लाई कर लेती हूँ और उसका जो डायपर बैग है फिर मैं रेडी कर लूँगी और 20-25 या 30 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर दूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। अभी फटाफट अप्लाई करते हैं, पीछे कपड़े टंगे हुए अवॉइड करना। फेस वॉश कर लिया है मैंने, ठीक है। अब बताना तो भूल गई, इसमें मैंने ऐड किया है, इसमें मैंने बेसन मिलाया है, घी मिलाया है और कच्चा दूध मिलाया है और थोड़ा सा पिंच मैंने इसमें हल्दी मिलाई है। आज मैंने फिर जो मेरी ब्यूटीशियन है पार्लर वाली ना वो घर ही आ जाती है तो उनको घर पे बुला के मैंने अपना हिना अप्लाई किया था और आईब्रो वगैरह बनवा दिए थे और फेशियल वेशियल मैं कराती नहीं हूँ, घर पे ये सब जो नेचुरल चीज़ें हैं वही अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। और ये ना जैसे कि डिलीवरी के बाद या जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके ना पिगमेंटेशन आ जाती है फेस पे, जैसे मेरे भी हल्की हल्की यहाँ आई हुई थी, अभी बहुत कम हो गई है तो मैं यही मास्क यूज़ करती हूँ जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। प्लान तो मेरा ये था कि मैं कंचन और मम्मा ना हम तीनों ये यूज़ करेंगे क्योंकि मेरी मम्मी भी कभी कुछ करती नहीं है यार, आईब्रो तक नहीं वो बनाती है, बट वो रह गया तो अभी मनीर सो रखी है तो मैंने सोचा फटाफट ये वाला तो कर ही लेती हूँ, बहाना ही चाहिए होता यार, मुझे मिल गया बहाना, अदरवाइज टाइम ही नहीं मिलता है पर फिर आलस आ जाता है। आपके भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप स्किन केयर थोड़ा शेयर कर दो मेरे साथ, खुद ही कुछ नहीं करती हूँ यार फेस के लिए, मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ, तो अभी कर रही थी मैं, चलो फटाफट आप लोगों को भी बता ही देती हूँ। बाय द वे आरुष और रोशनी का जो प्लान था मनीर के बर्थडे पे आने का ना वो कैंसिल हो गया है क्योंकि आरुष की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। बस कीप इट आई थिंक फॉर 30 मिनट्स में ड्राई हो जाता है क्योंकि बहुत ही पतली लेयर लगाइए। डन 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 बॉटल हो गई है स्टरलाइज, अब इसको ढक के रख देती हूँ। निकाले हुए हैं बॉक्सेस प्री मिक्स के लिए क्योंकि अगर कल मनीर का थोड़ा सा लंच वगैरह डिले हुआ तो मैं ये खिला दूँगी और ये मैम सीधे के लिए लेके जा रही हूँ जिसमें आई थिंक ये है हमारा खाने का पाउडर, ये है पोहा, ये है अपना ओट्स और ये है ड्राई फ्रूट्स और नट सीड पाउडर। ये मेरे बॉक्सेस हैं, इनमें मैं बना के ले जाऊंगा, इसमें फिर गर्म पानी ऐड करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। मैंने रख लिए हैं प्रीमिक्स सद्य और मनीर के लिए। सो जी मनीर का जो डायपर बैग है वो भी रेडी हो चुका है और अभी बस उसका जो पानी बॉयल किया हुआ था वो मैं इस बॉटल में करूँगी ट्रांसफ़र, इसमें 24 आवर गर्म रहता है जो कि प्रीमिक्स पर भी काम आएगा, तो ये भर के रख लेती हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह यार
बहुत सी चीज़ें होती हैं करने को, तो कई बार क्या होता है ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जल्दी जल्दी में, तो मुझे कि रात को अभी टाइम है तो मैं सब कुछ प्रिपेयर करके सोऊं तो थोड़ा रिलैक्स माइंड, यू नो, नींद भी आ जाएगी, तो कर लेते हैं। सो गाइस, बैठे बैठे मुझे आ रही थी नींद, तो मैंने सोचा कि मैं वॉश कर देती हूँ। नींद आ रही है बहुत तेज़, मुझे लगता है मैं मुँह धोऊँगी और फिर मेरी आँखें खुल जाएंगी। धोते हैं, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हो ड्राई ड्राई, जस्ट जो मैंने घी डाला था उसका थोड़ा सा आपको शाइन सी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे मैं ड्राई हो गया, तो मैं वॉश करके मिलती हूँ। ये हो गया है फेस क्लीन, फर्क आपको दिख ही रहा होगा, मज़ा आ गया। तो दिखा देती हूँ आपको, ये सारा देखो क्लीन हो चुका है, काफ़ी 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 गंदगी निकल गई है। और घी से ना वैसे ही जो फेस में या बॉडी में गंदगी होती है, आप मसाज भी करोगे ना तो वो भी निकल जाती है, तो काफ़ी जो मेरा फेस अब क्लीन हो गया है। अभी नाइट केयर रूटीन करते हैं। सो नाइट केयर के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये सीटाफल ऑप्टिमल हाइड्रेशन क्रीम, और थोड़ा सा लूँगी इतना सा, ये मैं रात को भी कर लेती हूँ सुबह भी कर लेती हूँ, दोनों टाइम ही करती हूँ। बाय द वे फेस मैंने ना फेस वॉश से वॉश नहीं किया, जस्ट वैसे ही मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और एक स्टेप है कि मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, मतलब करती हूँ यूजुअली, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज दिन में दो बार ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी मैं जस्ट डायरेक्ट अपने फेस पर क्रीम लगाऊँगी। ये हो गया, आप यूज़ करेंगे ये सीरम है सिट्राफिल का, उसके एक एक डॉट ही लूँगी, ज़्यादा नहीं, ये मैं दोनों टाइम यूज़ कर रही हूँ, मॉर्निंग में भी और नाइट केयर में भी। और मैं ना सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं स्किन के, मैं सिट्राफिल ही अभी यूज़ करती हूँ जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, क्योंकि यार लेस केमिकल है इनके अंदर और मेरी स्किन को सूट कर गया, मतलब आई थिंक जिनकी भी सेंसिटिव स्किन होगी सबको सूट करते होंगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, इसके ऊपर मैं सीटाफिल का फेस क्रीम भी लगाती हूँ, बट अभी नहीं लगाऊंगी, जेल ही लगा के भी सोऊंगी बस। लास्ट स्टेप है मेरा लिप बाम जो कि है मेबेलिन का, आजकल लिप्स बहुत ड्राई होने लगते हैं। सो बस जी, ये है मेरी नाइट केयर रूटीन, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, अभी जा रही हूँ मैं सोने की, नींद अभी मेरी भागी है मुँह बने के बाद, बट मैं ट्राई करूँगी सोने का क्योंकि कल सुबह उठना है जल्दी। सो एक बार स्किन दिखा देती हूँ गाइस, मेरे को आई गुड नाइट।